बीजेपी वाले को आप जानते हैं कौन सी पार्टी है, भ्रम फैलाने वाली पार्टी, दिग्भ्रमित करना चाहती है जनता को 2024 में और 25 में उसको नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, में हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार सरकार यानी कि नीतीश सरकार को सुशासन की सरकार कहा जाता है और लोग कहते भी थे, खास करके जो है देश में जो नीतीश कुमार ने बिहार को लेकर छवि बनाई थी तो वो सुशासन की सरकार को लेकर छवि बनाई थी। लेकिन मौजूदा कुछ समय से शायद बिहार में सुशासन की सरकार पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, खास करके जब से भाजपा सरकार से बाहर हुई है लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल रही। अगर मौजूदा समय की बात करें तो मौजूदा समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और वहाँ कई नेताओं से उनका मिलने का कार्यक्रम है और उसके बाद वो फिर पटना लौटेंगे। वहीं पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री रत्नेश सदा ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, विपक्षी एकता को मजबूत करने गए हैं, उसी से भाजपा घबराई हुई है और बिहार सरकार पर तरह तरह के आरोप लगा रही है। जरा सुनिए बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा क्या बोल रहे हैं। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के माननीय मुख्यमंत्री को काफी लगाव था, उनको बहुत मानते थे, उनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कल उसका था उसी में गए। दिल्ली दौरे पर नीतीश कुमार है, उसको लेकर बिहार में बीजेपी जो है सवाल खड़ा कर रही है कि बिहार नहीं संभल रहा और भाग भाग के दिल्ली जाते हैं हमेशा। बीजेपी वाले को आप जानते हैं कौन सी पार्टी है, भ्रम फैलाने वाली पार्टी, दिग्भ्रमित करना चाहती है जनता को और भ्रम फैला करके वो अपना राजगद्दी लेना चाहती है, लेकिन 2024 में और 25 में उसको नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। जो है वो हड़ताल हो रही है सुरक्षा की दृष्टि को लेकर, क्या कुछ सरकार उनको बातों को सुनने के लिए हाल फिलहाल में काफी सारे जो प्रतिनिधि मुखिया है जो है देखिए, जहाँ तक सवाल है उनकी सुरक्षा की, हमारी सरकार सुरक्षा को दृष्टिकोण से देख ही रहे हैं, लेकिन हम विधानसभा में अगले बार विधानसभा में पारित हुआ था कि जो भी प्रतिनिधि या मुखिया प्रतिनिधि उसको अग्निशास्त्र लाइसेंस के रूप में दिया जाएगा सुरक्षा की। लेकिन रत्नेश जी, आपकी सरकार में जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो इसपे सरकार कार्रवाई कर रही है और जो अपराधी है उसको करीब करीब सजा मिलेगी। कांग्रेस महिला विधायक ने अपने प्रभारी का आरोप लगाया है कि महिला की अनदेखी की जा रही है, अब उसके अंदरूनी मामला, उसके पार्टी का मामला है, वो समझे। तो अभी आपने बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा को सुना है, वो किस तरीके से भाजपा पर गुस्से में बोल रहे थे, किस तरीके से भाजपा के बारे में बोल रहे थे। साफ साफ कह रहे थे कि भाजपा जो है लोगों को दिग्भ्रमित करती है, लोगों को भटकाती है और सत्ता पाना चाहती है, लेकिन जनता इनको 2024 और 2025 में पूरी तरीके से साफ कर देगी। क्या आपको लगता है कि सचमुच में जनता भाजपा को 2024 में और 25 में सत्ता से हटा देगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रही लाइव बिहार के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।